पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रही है। अमेरिका, इटली, स्पेन में इस वायरस ने विकराल रूप ले रखा है। ये वायरस यहाँ हजारों लोगों की जान ले चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए दुनिया भर के कई देशों में आपातकाल लगाया गया है, तो कहीं लॉकडाउन। भारत में भी इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी अवधि 14 अप्रैल को खत्म हो रही है। इसी बीच भारत में लॉकडाउन को क्या बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। संगठन ने चेताया है कि यदि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी की तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि WHO की ये पाबंदियां खत्म होते देखना चाहता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी के परिणाम घातक हो सकते हैं, इससे सही तरीके से निपटना होगा। गौरतलब है कि भारत में लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को खत्म होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें लॉकडाउन को लेकर भी बात हुई। कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने के पहले कई राज्यों ने इसे और बढ़ा दिया है। ओडिशा ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वहीं उत्तराखंड ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।